है वो लोग मस्त गुजरा। आज की वीडियो एकदम फाड़ होने वाली है। आज तुम्हारा भाई है एडवेंचर आइसलैंड। तो यार आज मैं यहाँ पे आपको जो है वो दो दिखाने वाला हूँ शूटिंग लोकेशन। पहला तो पीके मूवी यहाँ पे शूट हुई थी मेट्रो वॉक पे, वो गाना सुना होगा लव इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे शूट हुआ उसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सेकेंड जो हुआ था हमारा मुंडा शूट हुआ, तो सारी लोकेशन दिखाने वाला हूँ। और बहुत कमाल की जगह है दिल्ली की, तो यहाँ पे आप कपल के साथ भी आ सकते हो, तो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, वीडियो छोटी बनाऊंगा लेकिन बेस्ट बनाऊंगा, देखते रहो। चलते हैं। सो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये रहा मेरा भाई और मैं साथ में। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं एकदम, और ये है लोकेशन देख सकते हो। तो अभी उसी गेट से हम कहाँ गया वो उस गेट से अंदर आया, वहाँ पे चेक इन किया हमने। तो अभी हम आपको यहाँ पे शूटिंग लोकेशन दिखाने हैं, मेरा भाई और मैं साथ में आए हैं। तो आओ दिखाते हैं आपको शूटिंग लोकेशन। सो गाइस हम मेन उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे शूटिंग हुई थी, यही सामने एडजस्ट मेरे, और मैं आपको शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, और भी शूटिंग के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा यहाँ की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का पूरा अराउंड जो भी है सब कुछ दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको शूटिंग लोकेशन दिखाऊंगा और आपको स्क्रीनशॉट से मैच कराऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहो। तो चलिए करते हैं शुरू। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सीन लिया जाता है, वो आपको वो वाला सीन दिख रहा होगा, ये मैच होगा और उसमें वो लोगो दिखाई देता रहता है उस मूवी के सीन में। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो, और वो भी दिखता रहता है उसमें। और यहाँ पे कुछ गुब्बारे वाले जाते रहते हैं, तो ये सारे सीन आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे ये जो लिखा है मैकडोनल्ड, ये आप मैच कर सकते हो, और ये लोगो मैच कर सकते हो, और वहाँ पे वो जो लिखा हुआ है ये आज भी वैसा का वैसा है जैसे कि आपको मूवी के सीन में देखने को मिलता है। तो यहीं से वो सीन जो अभी आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ, तो ये यहीं पे फिल्माया गया था, ठीक है? तो अभी हम आपको दूसरे साइड का जो भी सीन है वो दिखाते हैं कि कैसा सीन हुआ था। ये सीन आप मैच कर सकते हो, वो लोगो दिखाई देता है और ये दिखाई देता है, ठीक है? तो ये चीज मैच कर सकते हो, ये पूरा जो बोर्ड लगा हुआ है ये आप मैच कर सकते हो, आज भी वैसा ही है। थोड़ा सा क्लोज करके मैं और भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से सीन लिया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, और वो लोगो दिख रहा है, और इसमें ये वाला पेड़ भी दिख रहा है, ठीक है? आप मैच कर सकते हो, ये वाला पेड़ जो आपको दिख रहा है ये पेड़ भी उसमें देखने को मिल जाता है। तो यही है वो लोकेशन जहाँ पे वो चल के आते हैं, ठीक है? और सामने अनुष्का शर्मा का सीन लिया जाता है, ठीक है? तो आप मैच कर सकते हो। गाइस यहाँ पे कुछ सीन लिए गए थे, मैं आपको दिखा दिया मैंने, ये बोर्ड आप देख सकते हो मेरे पीछे, इसको मैच कर सकते हो आप। और वो मेरे पीछे एक बोर्ड और लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला बोर्ड, ये भी आप मैच कर सकते हो, सारे के सारे जो भी हैं। और ये जो पेड़ आपको पीछे दिख रहा है, ये पेड़ भी आया हुआ है उसमें। तो सारे के सारे सीन आप इक्वली मैच कर सकते हो, यहीं पे वो मूवी शूट हुई है। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो मूवी शूट हुई है वो यहीं पे, और अभी एक एंगल से और लिया गया था इसी जगह का सीन, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। सो गाइस एक सीन कुछ इस तरीके से लिया गया था यहाँ पे, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तब यहाँ पे ये फव्वारे जो आपको दिख रहे हैं ये चलते थे उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे कोरोना के बाद से ये बंद हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। और ये जो आपको एस्केलेटर दिख रहा है ये भी दिख रहा है उस सीन में, और वो जो छतरी सी बनी हुई है ये भी आपको दिख रही थी उस सीन में, और वो जो स्टार्स लगे हुए हैं वहाँ पे वो भी आप मैच कर सकते हो सेम सेम। और ये जो मैकडोनल्ड का ये बना हुआ है ये भी आप मैच कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेम सेट किया गया था मूवी के सीन में, आप यहाँ से पूरा मैच कर सकते हो, सेम सेम ऐसा ही कुछ फ्रेम था। तो अभी मैं आपको इधर पूरा अराउंड दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से था, और ये फव्वारा चलता था, तो यहीं पे वो गाना शूट हुआ था, ठीक है? तो ये उस टाइम पे चलते थे, बट अभी इस टाइम पे नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ के सीन्स आप मैच कर सकते हो, वैसे आज भी हैं जैसे कि आपको उस सीन में देखने को मिला था, कुछ इस तरीके से वो सीन था। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप सब कुछ मैच कर सकते हो, डिट्टो जैसा उसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही यहाँ पे शूट हुआ था। और अभी मैं आपको वो जाली दिखाता हूँ। अभी हम उस एस्केलेटर के पास भी पहुंच चुके हैं जहां पे वो एक सीन सर पूछने वाला था अनुष्का शर्मा का, वहां पे पहुंच चुके हैं और आपको सीन दिखाते हैं, सब कुछ मैच कराते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है? तो ये रहा मेरे पीछे एस्केलेटर, आप देख सकते हो। तो यहां पे अभी इसको जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के बाद से यहां पे सब कुछ बंद हो चुका था, तो अब ओपन हुआ, हो सकता है अब ये ओपन करें, बट अभी तो बंद है, फिर भी हम सीन मैच करवाते हैं आपको, ठीक है? तो गाइस कुछ इस तरीके से सीन लिया गया था यहाँ पे, आप देख सकते हो इस वहां से वो चल के आते हैं, और वो जो मैट बिछाया गया है वो आप मैच कर सकते हो स्क्रीनशॉट से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन होता है, वहां पे वो खड़े होते हैं और आंटी जी यहाँ पे खड़ी होती हैं, तो यहीं पे वो सर पोंछते हैं, कुछ इस तरीके से आप मैच कर सकते हो।
और ये ग्रिलिंग भी आप मैच कर सकते हो, वो पीछे जो ग्रिल दिख रहे हैं आपको, ये भी आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो, सेम टू सेम वैसा ही है। और कुछ इस तरीके का ये एस्केलेटर है, ठीक है, और ऊपर से आप सारा नज़ारा देख सकते हो। तो फ्रेम कुछ इस तरीके से रखा गया था उस सीन में, और यहाँ का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके का, भाई साहब कमाल का है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ, अपनी बीवी को लेकर आओ, या फिर किसी और को लेकर आओ, ठीक है, या फिर आप खुद आओ, तो यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल का है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो विजिट करना बनता है ब्रो, तो आना जरूर से, ठीक है। तो ये सीन आप मैच कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लिया जाता है, और ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो चलिए, अब ये मूवी का सीन हो गया सारा का सारा पीके का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो भी है यहाँ की खास खास चीज़ें, वो इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि यार वीडियो कमाल की होने वाली है, और यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो जगह, तो वीडियो को देखते रहो। एक सीन यहाँ पे लिया गया था, आप मैच कर सकते हो, ये यहाँ पे एक लोकेशन ली गई है, आप पूरा पूरा मैच कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैक कैमरा करके सारा कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे एक सीन शूट हुआ था भाई, इस साइड थोड़ा कैमरा लेना, इस जगह की एक लोकेशन यहाँ का है, यहाँ पे पूरा शूट किया गया था, वो ऐसे कब लेके आते हैं ऐसे। तो यहाँ का एक सीन लिया गया था पूरा प्रॉपर, आप देख सकते हो, मिला सकते हो बैकग्राउंड भी आप, मैं एक बार हट जाता हूँ आप देख लो। तो यहाँ पे पहले वो लगा रखा था एक बोर्ड जो है वो एडवेंचर आइसलैंड का, तो अभी यहाँ पे हटा दिया गया है वो बोर्ड, और यही वो लोकेशन है। मैं आपको बैक कैमरा करके और सब कुछ दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट से मैच कराता हूँ, तो वीडियो को देखते रहो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का लोकेशन होता है यहाँ पे, और वहाँ पे जो वो लेडीज खड़ी हैं, वहाँ पे पहले लगाया गया था एक बोर्ड, यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया था एडवेंचर आइसलैंड का, जो कि आपको उस सीन में देखने को मिलता है, और यही प्रॉपर लोकेशन होती है, यहीं पे वो ऐसे कप में पीते हैं, फिर उनकी मूछें बन जाती हैं, तो फिर अनुष्का शर्मा उसे मिटाती हैं, फिर वहाँ पे वो फिर से थोड़ा सा जब उनको टच करती हैं तो उनको लगता है कि हाँ फिर से पीना चाहिए, तो फिर से पीते हैं। तो स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, आप मैच कर सकते हैं, और ये पटरियाँ भी दिखती हैं उसमें, और ये जो पीछे आपको तालाब सा दिख रहा है ये भी दिखता है उस सीन में, और यहाँ पे एक फिर से बताता हूँ एडवेंचर आइसलैंड लगा होता है, तो आप मैच कर सकते हो। और ये सीढ़ियाँ भी उस स्क्रीनशॉट में कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है, ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये कोना और ये सीढ़ियाँ, आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो, सब कुछ यहीं का है। और थोड़ा सा पीछे से जब सीन आता है तो मैं भी वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सीन होता है, यहाँ से आप मैच कर सकते हो स्क्रीनशॉट से, ये वही सीन है, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी पीके के सीन लिए गए थे यहाँ पे, वो सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिए हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ के सीन थे सब कुछ ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिए हैं, ऑल टोटल जितने भी यहाँ पे मेट्रो वॉक पे लिए गए थे पीके मूवी के सीन्स, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पे जो लिया गया था सीन सब कुछ मैंने वो भी दिखा दिया, यहीं पे वो सीन लिया जाता है जब मूछें बन जाती हैं वगैरह वगैरह जितने भी सीन थे, और थोड़ा सा वहाँ पे आगे की तरफ लिया गया था मैकडोनल्ड की तरफ, तो वो भी दिखा दिया है। तो बस यार आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये पटरा वटरा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, और काफ़ी कमाल का जो है वो यहाँ का सीन है, और यहाँ पे आप आ सकते हो अपने वाइफ के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत ही कमाल की जगह है। तो अभी जो मेन मेन जगह है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की, तो चलिए दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वो जगह भी। सो गाइज अभी यहाँ पे हम जाने वाले हैं रनवे में, मतलब कि यहाँ पे एक रनवे है जिसमें हम खाना खाने वाले हैं, तो अभी दिखाते हैं हम आपको। सो अभी हम आ चुके हैं उस गेट पे, और यहाँ पे मतलब आपको क्या होता है ना कि एक रियल एरोप्लेन है, उसके अंदर आपको मतलब रेस्टोरेंट टाइप में बना रखा है, वहाँ पे आपको खाने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं, और उसमें जाएंगे हम और खाना खाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सो ये रहा गेट, लेकिन यार यहाँ पे तो बोर्ड लगा रखा है कि ये बंद है। भाई 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 ये बंद है क्या? भाई बंद है, उसे लिखा हुआ है भाई। सो यार अभी तो ये बंद है पूरा पूरा, भाई बताया, अभी भाई ने बताया कि ये बंद है, तो हमारा काम जो था यार पूरा खत्म हो गया है।
वो रहा हमारे पीछे जो है वो एरोप्लेन, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। हम इसी में खाना खाने के लिए आए थे भाई, यही मेन जो मेट्रो की खास चीजें हैं वही हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बंद है। आप भी वहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहाँ पे, और टिकट घर ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा बंद है यार। तो कोई नहीं, आगे की चीज़ें दिखाते हैं, दूर से दिखाते हैं ये एरोप्लेन कि कैसा बना रखा है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो यहाँ का व्लॉग डालूंगा, ठीक है, और इसके अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। सो गाइस, एक जगह ये है, मतलब अबे रुक जा, एक जगह ये बहुत देर से खाना वाना कुछ नहीं खिलाया, ये स्टेज स्टेज दिखा दिखा के खिला रहा है भाई, घूम घूम के थक चुके हैं एकदम, बकचोदी खेल रहा है ये भाई मेरा तो। हाँ, देख सकते हो भाई, अब ये कह रहा है यहाँ पे मुजरा करो तो दो खाना मिलेगा, ठीक है, और खाने के बदले मुजरा करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भाई मुजरा करेगा, इसको देखो भाई, अभी हम जरूर, अभी हम इतनी देर से मुजरा ही कर रहे हैं, घूम घूम के पूरा पूरा, अब ये मुजरा कर करके कह रहा है कि अब ये स्टेज पे खाली नचवाएगा ना डीजे ना तो भाई, पहले बताने तो भाई लोग को, अरे भाई लोग को चूतिया मत बनाओ भाई, भाई लोग यहाँ पे अभी ये जो स्टेज बनाया गया है यहाँ पे, खासकर जो फेस्टिवल्स होते हैं। अबे भाई फेस्टिवल गया, अबे यार जा यार, भाई यार इसने तो परेशान कर दिया एकदम, भूख लगी है तो यहाँ पे जो भाई वहाँ मोर का पंखा, चल भाई फटाफट चल मोर का, भाई जाना रुक जा। तो गाइज यहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिवाली के प्रोग्राम पे यहाँ पे कुछ डांस गाना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये होता है कि जो बाहर से बंदे आते हैं ना वो भी अपना, अबे यार, तो जो होता है ना तो यहाँ पे आते हैं वो अपना अंदर से, मतलब यहाँ पे जो भी आता है वो अपना हुनर यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बना रखा गया है। तो यहाँ पे इसको लगाए हैं, तो जैसे कि क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गया, तो यहाँ पे बंदे शो करते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे उस शो में कोई भी पार्टिसिपेट करता है, जिसके बाद मतलब कोई भी उससे ले सकता है, ठीक है, कोई भी इसमें आ सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये स्टेज आप देख सकते हो मेरे पीछे, जो पेंटिंग बनाई है काफी कमाल की बनाई है, यहाँ पे आके बहुत सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पे अपना फोटो आप आके खिंचा सकते हो, तो काफी कमाल की चीजें ऐसे प्रिंट की गई हैं, तो आप देख सकते हो भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप भी आके खिंचवा सकते हो, तो ये भी काफी कमाल की चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। भाई नो मार्क्स नो फोटोग्राफी की बकचोदी कर रहा, तो खामा खा की है भाई, तो भाई अभी चलान कर जाएगा एकदम फालतू में एकदम, फिर यहाँ पे रोने पे भी पैसे लेके जाएंगे वो, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो आके खिंचवा सकते हो बहुत ही कमाल की। अभी ये भाई फोटो खिंचवाएगा और दिखाएगा कि ये इस पंख के साथ कैसा लगता है, मैं उड़ूंगा ऐसे, देख रहे हो, ठीक है, ये उड़ने की एक्टिंग नहीं कर रहा है, मुर्गा जैसे उछलता है ना वैसे उछलने की। अभी हमको क्या है ना कि मिला नहीं वो खाने के लिए एरोप्लेन में, तो इसलिए हम उड़ के जाना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हो इन भाइयों ने हमें धक्के मार के बोला कि साइड हो जाए, हमको लात मार के इधर से निकाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तुमको फोटो नहीं खींचने देंगे, हम चार पांच बंदे अकेले मिलके बेलेंगे, ठीक है। तो सो गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि वो जो रनवे में हम जाने वाले थे उसी रनवे में सपना ही रह गया निकल। हाँ भाई वो सपना ही रह गया सचमुच का, तो वहाँ पे हम खाना खाने वाले थे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि गेट जो है वो बंद है, ठीक है, और वहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगा के लिख दिया है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मतलब एरिया में हम जा नहीं सकते क्योंकि वो बंद है। तो भाई हमारा सपना जो था ना कि एरोप्लेन में बैठ के खाएंगे हम, और दूर से बकचोदी करके जाएंगे। हाँ भाई ये देख ले, ये दूर से बकचोदी करके जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये पुल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पुल पे एक आईफेल टावर बना रखा है, देख सकते हो आप छोटा सा, ये सिर्फ 100 पीस है, और यहाँ पे आपको फीस लगती है एंट्री फीस 350 रुपए, ठीक है, 350 रुपए लोगे तो वो पूरा जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पे क्या है कि झूला वूला है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके झूला वूला झूल सकते हो वगैरह वगैरह, काफी सारे वो ऊपर झूले आपको दिख रहे हैं, सारे उनको बता देंगे, उनको भी खुद पता करने का दियो, आजा भाई आजा, सब कुछ उन्हें पता देख लो बताने नहीं दे रहा है, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे लाइक लेगा, ऐसे 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 ब्लॉगर बनेंगे हम, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे काफी सारे झूले हैं, आप ले सकते हो मजा उनका, उठा सकते हो 350 रुपए का टिकट, ठीक है। तो यही है जो भी मेन लोकेशन है मेट्रो वॉक की जान, तो भाई सब ये है, ठीक है, ये एरोप्लेन में आप बैठ के खाना खा सकते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो ये रहा लोकेशन, और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तो आके आप बोटिंग कर सकते हो, तो बोट ये रही, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, तो यही सारी चीजें थी जो हमको दिखाना था आज। नहाएंगे बोटिंग थोड़ी करेंगे, हाँ नहीं नहाएंगे नहीं, बोटिंग करेंगे, और नहाने का मन करेगा तो कच्ची बनियान उतार के नहा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ के जितने भी सीन थे हमने दिखा दिए हैं, और भाई ये बंदा कब से बकचोदी कर रहा है, ठीक है, ये तो वैसे फुल बरसा रहा है तो बकचोदी कर ही, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सीन थे मैंने मूवी के सीन्स दिखा दिए, और अभी आपको एक चीज एक जगह हमने दिखाई नहीं है, वो जगह यहीं पे कहीं पे पड़ती है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है, मैं देख के बताता हूँ, जाते जाते वो भी आपको दिखाऊंगा, हो सकता है बट हम दिखा नहीं सकते,
ठीक है, मैं नहीं मानेंगे, मैं दिखाएंगे नहीं। वीडियो को देखते रहो भाई, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा, बट थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो अपने इस भाई को। तो चलो दिखाते हैं, यहाँ पे जितनी भी मूवी शूट हुई है, यहाँ पे सारा बोर्ड लगा रखा है, आप देख सकते हो जितनी भी मूवी शूट हुई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरा करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस सीन में। और यार मास्क का डर लगा रहता है, कहीं चलान वाला ना काट दे, दिल्ली में बहुत ही ज्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग है, जैसे कि ये प्यार का पंचनामा और बजाते रहो, पीके, या पीके का जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसका बोर्ड लगा रखा है। और बहुत सारी जगह है, ये पूरा बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई है, जितनी भी सारी चीजों की यहाँ पे एक बोर्ड में लगा के दिखा दिया गया है कि यहाँ पे इतने इतने मूवी की शूटिंग हुई है। तो मैं बैक कैमरा करके आपको सब कुछ अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पीके, जो मैंने आपको सीन दिखाया अभी मैच कराया है, ये आप देख सकते हो, और रिक्की बहल, और ये बेवकूफिया एक सॉन्ग है, इसका भी यहीं पे मेट्रो वॉक में ही शूट किया गया है, ये देख सकते हो। ये भी एक दीवाना था ऐसा कुछ करके यहाँ पे ये पूरा शूट किया गया है। और यहाँ पे बजाते रहो का भी सीन शूट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पूरा मैच कर सकते हो। ये प्यार का पंचनामा मूवी शूट की गई थी। तो जितनी भी मूवी और जितने भी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, शूट की गई हैं फिल्मों के, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम पीके मूवी को दिखाने आए थे, तो सीन मैच कर लेना, सब कुछ यहीं पे शूट है। और बहुत सारी फिल्मों के यहाँ पे सीन शूट हुए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे जो भी जितने भी शूट हुए हैं, गाने सीरियल के सब कुछ दिखा रखा है। तो काफ़ी फेमस जगह है दिल्ली का ये, तो आप एक बार विजिट करो मेरे कहने पे, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये रहा बोर्ड, तो आप एक बार ध्यान से देख लो। तो गाइस अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे वो सॉन्ग शूट हुआ था, मुंडा हॉर्न ब्लो करदा, ये आप देख सकते हो, इसी के अंदर वो शूट हुआ था मुंडा हॉर्न ब्लो करदा, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉक लगा दिया गया तो अंदर कोई जा नहीं सकता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शूट हुआ था मुंडा हॉर्न ब्लो करदा, हार्डी संधू का जो है वो सॉन्ग, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ सब कुछ शूट हुआ था। आप देख सकते हो इसी जाल के अंदर जितने भी सीन शूट हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड हुआ है इसके अंदर, जो भी वो गाने चलते हैं, गाने के ज्यादा से ज्यादा सीन यहीं पे शूट हुए हैं। ये एरिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो जितने भी सीन थे यहीं से शूट हुए हैं, आप सारे के सारे देख सकते हो। तो यहाँ पे उस जगह पे वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा के एकदम डिजाइनदार लकड़ की, और यहीं पे वो गाना शूट होता है मुंडा हॉर्न ब्लो करदा, जो भी सॉन्ग था, तो यहीं पे शूट होता है, ठीक है। तो ये लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ पे जो पीके मूवी की शूटिंग लोकेशन थी वो मैंने आपको दिखा दी, सारी की सारी लोकेशन मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा दी है, ये आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पे शूट हुआ था मुंडा हॉर्न ब्लो करदा, तो अभी इसको लॉक करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वरना आप बोलोगे कि भाई झूठ बोला है। तो ये है इसका एंट्रेंस, और अभी यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, देख सकते हो ये ताला लगा रखा है। तो यहीं पे शूट हुआ था गाना वो मुंडा हॉर्न ब्लो करदा। तो बहुत ही फेमस जगह है यार, आप आके एक बारी विजिट कर सकते हो। यहाँ के थे सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया पीके मूवी का, और यहाँ पे जितने भी सॉन्ग शूट हुए वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ऑलरेडी जितने भी सीन यहाँ पे थे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिए हैं। तो बस यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और हाँ यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे और भी बंदे आए इस जगह का मजा ले पाए, ठीक है। और आप भी आओ, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है, अभी तक नहीं आए हो, बट अगर जो जानते हैं जो इधर आसपास में रहते हैं, रोहिणी साइड या फिर इधर साइड मंगोलपुरी साइड या फिर जिधर भी साइड रहते हैं, तो आप आके इसका मजा ले सकते हो किसी के भी साथ। तो बस यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।